नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 18912 भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, देखा होगा आपने थंबनेल में। तो इसमें जो 18912 पद है टोटल, इसमें जो अभी पेपर होना है 5800, दो वैकेंसी जो जेल बॉर्डर वाली और फायरमैन की, इसकी अभी लिखित परीक्षा होनी है 19 और 20 दिसंबर को। और इसमें जो बाकी बची वैकेंसी, इसमें 9584 वैकेंसी जो होगी वो SI की होगी, और जो आने वाली है वैकेंसी और इसमें 1800 कुछ परिचालक और SI की वगैरह की इसमें होंगी। ऐसे करके 18500 टोटल प्रक्रिया है। इसमें वैकेंसी तो मान लो ये 9500 है, बस यही है। और इसकी जो परीक्षा है जनवरी में भी जो बात कही जा रही है, ये करीब फरवरी मार्च तक तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों आप, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर आपको उत्तर प्रदेश में भर्ती होना है तो अगर इसमें आपका फॉर्म डला हुआ है जेल बॉर्डर में, और अभी आपके पास टाइम है कितना, एक महीने का भी, आज 14 नवंबर है, 19-20 दिसंबर को होनी है भर्ती। तो आप इसमें जितनी मेहनत हो सके कर लो, और तक कोई भी चांस नहीं है जो आपको नौकरी लग सके, यही सिर्फ एक वैकेंसी बची है। SI में तो देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, और बहुत ही ज़्यादा होगा, लोग अब पिछले भी पे हुआ, इसमें 35% कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। 50% था तो उसमें ज़्यादा सही था। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।